नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह में। पिछले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट, इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट इत्यादि टेंसेस आपको सिखा चुका हूं। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पी ली थी, सो लिया था इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कोई काम हो चुका था, यानी कोई काम समाप्त हो चुका था, कोई काम समाप्त हो चुका था। पास्ट इंडेफिनिट में होता है कि कोई काम करता था, कंटिन्यूस में था कर रहा था। अब पास्ट परफेक्ट में कि वो काम समाप्त हो चुका था, यानी कि वो काम खत्म हो चुका था, तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जबकि कोई काम का खत्म होना, एक समय के अंदर खत्म होना दर्शाया जाए। इसके जो रूल्स हैं आप नोट कर लीजिएगा। रूल्स, पहला सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव नहीं वाला। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न भी और नकारात्मक भी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के हिसाब से अब हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं और आपको सेंटेंस बनाने बता रहा हूं। चलिए मैं पहला सेंटेंस लेता हूं। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। कैसे बनेगा बताइए। मैं सब्जेक्ट है, हैड और थर्ड फॉर्म खाना खाना होता है, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म होगी ईटन द फूड। आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, एक ही बात है। दूसरा, तब तक वो सैर पर जा चुका था। तब तक वो सैर पर जा चुका था। तब तक बिल्कुल लास्ट में लगेगा टिल देन, लेकिन पहले होगा वह सैर को जा चुका था। ही हैड गॉन, सैर के लिए फॉर अ वॉक, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक।
ही हैड गॉन, वो जा चुका था किस लिए, फॉर अ वॉक, तब तक, टिल देन, टिल देन, तब तक वो शहर को जा चुका था। मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था। चलिए, तुमने, तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया था। तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया था। यू हैड, यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क। यू सब्जेक्ट, हैड नॉट, फिनिश की थर्ड फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश योर वर्क। यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क। आपने अपना काम समाप्त नहीं किया था। यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल क्या, सूर्य उदय हो गया था। क्या सूर्य उदय हो गया था? हैड द सन, उदय होना होता है, राइज, रोज, राइजन, हैड द सन राइजन। क्या सूर्य उदय हो गया था? हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म राइजन, हैड द सन राइजन। क्या सूर्य उदय हो गया था? इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हमने, माफ कीजिएगा, मैं कोई अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्या हमने ताजमहल नहीं देखा था? क्या हमने ताज महल नहीं देखा था? क्या हमने ताजमहल नहीं देखा था? Had we not, had we not, देखना क्या होता है? See, see की सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन। हैड वी नॉट सीन द ताज, हैड वी नॉट सीन द ताज, क्या हमने ताजमहल नहीं देखा था? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादित करते हैं। इसमें चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे ही शी, सबके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। इसमें हैज हैव का चक्कर नहीं है, सबके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस टेंस की एक और खासियत है, इसमें अक्सर डबल पास्ट होता है, यानी कि पास्ट के दो टेंस होते हैं। जैसे कि जब मैं वहां गया तो वो जा चुका था, यानी कि मैं वहां गया एक काम, वो जा चुका था दो काम। जब मैं वहां पहुंचा तो रमेश जा चुका था, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन निकल गई थी, ट्रेन जा चुकी थी, इत्यादि। तो इनमें से जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नोट,
पास्ट परफेक्ट में ज्यादातर दो वाक्य होते हैं, जैसे जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा तो रमेश जा चुका था। जब मैं वहां पहुंचा तो रमेश जा चुका था। तो इसमें जो कार्य पहले हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट व जो कार्य बाद में हो, जो कार्य बाद हो वह पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट किया जाता है। जो कार्य पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे जब मैं वहां पहुंचा तो रमेश जा चुका था। कौन सा कार्य पहले हुआ है? रमेश पहले जा चुका है, मैं बाद में पहुंचा हूं, तो इसका होगा जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, आई के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, कॉमा रमेश हैड गॉन, रमेश चला गया था, व्हेन आई रीच्ड देयर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, रमेश हैड गॉन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। ये है पास्ट इंडेफिनिट और ये है पास्ट परफेक्ट। क्या हमारे पहुंचने से पहले, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी? क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? कौन सा काम पहले हुआ, हम पहले स्कूल पहुंचे या घंटी बज चुकी थी? यहां घंटी पहले बज चुकी थी, तो हम कहेंगे, इसीलिए हम पहले इसे लेते हैं, घंटी बज चुकी थी, सॉरी हैड द बेल गॉन, हैड द बेल गॉन, क्या घंटी बज चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले? पहले के लिए ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे बिफोर से, बिफोर हैड द बेल गॉन, बिफोर हमारे पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचना, हमारा पहुंचना बाद में हुआ है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बिफोर वी रीच्ड, क्वेश्चन मार्क, हैड द बेल गॉन, क्या घंटी बज चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। तो इस प्रकार ज्यादातर डबल पास्ट
सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट में कुछ ऐसे सेंटेंस भी ट्रांसलेट किए जाते हैं जो हिंदी में देखने में पास्ट इंडेफिनिट लगते हैं, जैसे तब तक मैंने ताजमहल नहीं देखा, नहीं देखा, हमने पहले ही पत्र पोस्ट कर दिया। अब देखा जाए तो देखा, कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंसेस में बिफोर, टिल, ऑलरेडी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट ना बनाकर पास्ट परफेक्ट बनाया जाता है। जैसे कि मैंने तब तक ताजमहल नहीं देखा, अगर साधारण पास्ट टेंस यानी इंडेफिनेट में टिल, बिफोर, टिल बिफोर, ऑलरेडी इत्यादि शब्दों, इत्यादि शब्द दिए गए हों, अगर साधारण पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टिल, बिफोर या ऑलरेडी इत्यादि शब्द दिए गए हों तो उसे पास्ट इंडेफिनिट न बना कर पास्ट परफेक्ट ही बनाया जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेंगे हम, मैंने तब तक ताजमहल नहीं देखा था, तब तक यानी कि टिल, देन टिल शब्द आ गया, मैंने तब तक, तब तक का मतलब है टिल, टिल देन, मैंने तब तक ताज महल नहीं देखा था। अब देखिए ना, देखा था हटा देते हैं हम, मैंने तब तक ताज महल नहीं देखा तो लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट है देखा, लेकिन वर्ड है बीच में टिल, तो इसका बनेगा आई हैड नॉट सीन द ताज टिल देन, तब तक मैंने ताजमहल नहीं देखा था या देखा, आई हैड नॉट सीन द ताज टिल देन। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, मैं पहले ही खाना खा चुका था, मैं पहले ही, पहले ही के लिए लगेगा बिफोर, पहले ही खाना खा चुका था, यानी कि कोई काम पहले ही हो चुका था, या मान लीजिए अगर यहां था ना भी होता, मैं पहले ही खाना खा चुका, कई बार हम बोलते हैं मैं पहले ही खाना खा चुका या मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, तो मैं खाना खा चुका पहले ही, तो इससे साफ पता चलता है, देखने में तो पास्ट इंडेफिनिट लगता है खा चुका, लेकिन पहले, टिल, बिफोर, ऑलरेडी या मैंने ऑलरेडी ये काम कर लिया है, तो आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, आई हैव कर लिया था, आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। अब जैसे ये है, मैं पहले ही खाना खा चुका, आई हैड ईटेन, ईटन द फूड बिफोर, आई हैड ईटन द फूड बिफोर, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, तो आपने देखा
कि जिसमें टिल बिफोर ऑलरेडी इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, बेशक को देखने में पास्ट इंडेफिनेट लगते हैं लेकिन उन्हें पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट किया जाता है। अब कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं जैसे कि वह कल ये काम कर चुका था, या हम शनिवार को यह काम निपटा चुके थे, या हमने शनिवार को यह काम निपटा लिया था। अब इसमें टिल बिफोर ऑलरेडी नहीं है, देखने में ये चुका था, निपटा लिया था, देखने में ये पास्ट परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इनमें पास्ट को दिखाने वाला एक समय दिया गया है। जैसे वह कल ये काम कर चुका था, अब कल आ गया, वह यह काम कर चुका था होता तो इसका बनता ही हैड डन दिस वर्क, लेकिन यहां आ रहा है कि वह कल यह काम कर चुका था। कभी कभी कुछ वाक्य इस प्रकार होते हैं कि उनमें चुका था, लिया था इत्यादि शब्द तो दिए होते हैं परंतु पास्ट को दिखाने वाला समय भी दिया होता है। जैसे मैं कल ये काम समाप्त कर चुका था। अब देखिए पास्ट को दिखाने वाला समय दिया है, जैसे मैं कल ये काम समाप्त कर चुका था। चुका था का हिसाब से देखें तो इसे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां पे कल शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि पास्ट को दिखाने वाला टाइम। और हम कह रहे हैं कभी कभी कुछ वाक्य इस प्रकार के होते हैं कि उनमें चुका था, लिया था, खा चुका था, पहन चुका था, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु पास्ट को दिखाने वाला कोई समय दिया होता है, जैसे कल 15 अगस्त को, 16 जनवरी को मैंने यह काम कर लिया था, दिया होता है, जैसे मैं कल यह काम समाप्त कर चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट ना बनाकर पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे इसका बनेगा, मैंने कल यह काम समाप्त कर चुका था, मैं कल यह काम समाप्त कर चुका था। आई सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड, आई फिनिश्ड दिस वर्क कल यस्टरडे, मैंने कल ये काम समाप्त कर लिया था। आई फिनिश दिस वर्क यस्टरडे, वो शनिवार को कश्मीर चला गया था। इसको हम एक नंबर दे देते हैं, दो, वो शनिवार, या कह देते हैं 13 अगस्त को कश्मीर चला गया था। देखिए यहां पास्ट को दिखाने वाला एक टाइम शनिवार या 13 अगस्त दिया है, तो होगा ही हैड गॉन नहीं आएगा, ही वेंट टू कश्मीर ऑन सैटरडे या ऑन 15 अगस्त।
ही हैड गॉन नहीं, ही वेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चूंकि यहां पास्ट को दिखाने वाला टाइम ये शनिवार या 13 अगस्त आ गया था, तो ही हैड गॉन की बजाय ही वेंट पास्ट इंडेफिनिट में इसे ट्रांसलेट किया गया। ये चीजें सारी ध्यान से समझने की हैं। आगे हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देना चाहूंगा जो आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिखेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में अगर कोई गलत सवाल आप ट्रांसलेट करते हैं तो मैं उसे ठीक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। तो आप ये काम जरूर कीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और एक और काम कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि इसका दूसरे भी फायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।